कर तीन अफ्रीकी युवकों ने शहर की कंपनी के नाम पर फर्जी वेबसाइट तैयार कर ली। उसके नाम से ट्रेनिंग करने के लिए इंडिया मार्ट में भी जानकारी उपलब्ध करवाई। कंपनी के संचालक को इसका पता चला तो उन्होंने पुलिस से शिकायत की। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने साइबर पुलिस स्टेशन को जांच के निर्देश दिए। पुलिस ने तकनीकी जांच माध्यमों से आरोपियों का पता लगाया है और तीनों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में राहुल एमी चोंगा चाकुंटे जैक्सन साहतो और थेमनवी रॉबर्ट एनगवा का समावेश है। तीनों सेंट्रल अफ्रीकी देश कैमरून के रहने वाले हैं। यह देश नाइजीरिया से लगा हुआ है। हालांकि तीनों की गिरफ्तारी दिल्ली के मेहरोली परिसर से हुई है। विगत 13 अगस्त को पुलिस ने समर्थ नगर निवासी भूषण रविंद्र साबले की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। भूषण जेके सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संचालक है और उनका कार्यालय धर्मपेट में है। 11 अगस्त को भूषण के मोबाइल पर प्रीतेश इंग्लैंड नामक व्यक्ति ने फोन किया। इंडिया मार्ट बिजनेस टू बिजनेस वेबसाइट से नंबर मिलने की जानकारी दी और रिफाइन शुगर के बारे में पूछताछ की। भूषण ने बताया कि उनकी कंपनी ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बेचती है। तब प्रीतेश ने इंडिया मार्ट से जानकारी मिलने का हवाला दिया। भूषण आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने खुद गूगल पर अपनी कंपनी का नाम सर्च किया। उन्हें अपनी कंपनी के नाम की वेबसाइट तो मिली ही, साथ में GST नंबर भी दिया गया था। बजाज नगर पोलीस स्टेशनमध्ये एक 239/22 या CR क्रमांक अंतर्गत 416 419 420 आणि 468 आणि IT ॲक्टचे काही कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आली होती। यामध्ये मोडस असा होती की काही लोक इतर ठिकाणावरून फेक वेबसाइट तयार करून त्या वेबसाइट इंडिया मार्ट या याच्यावर रजिस्टर करत होते आणि रजिस्टर करून त्यावर जे वस्तूसाठी जे ऑर्डर यायची त्या ऑर्डर घ्यायचा आणि त्याचा वस्तू हे डिलिव्हर नाही व्हायचा अशी ही मोडस होती। या मोडसवरून हे आरोपी सक्सेसफुल होण्याच्या आधीच आम्ही तीन लोकांना ताब्यात घेण्यात आलेले आहे। हे तिघही रिपब्लिक ऑफ कॅमरून या देशातले आहेत आणि हे तिघांना आमचे सायबर सेलचे टीमनी दिल्ली येथून ताब्यात घेतलेले आहे। आणि हा तक्रार जो आहे आम्हाला इथं 11 तारखेला आली होती आणि 11 तारखेला आल्यानंतर तात्काळ त्यावर गुन्हा दाखल करून आम्ही त्याच्यावर वर्कआउट करून टीम रवाना केली होती दिल्लीला। तर दिल्लीला या टीमनी हे तीन आरोपी ताब्यात घेतलेले आहेत। त्यांच्यासोबत काही त्यांचे इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स पण आम्ही ताब्यात घेतलेले आहेत। त्या इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्सचे आता विश्लेषण त्याच्या व्यवस्थितपणे चौकशी करून ह्या आरोपीचे पण आता आमच्या पोलीस कस्टडीमध्ये आहेत। तर त्यांच्याही योग्यरीत्या चौकशी करून अजून याच्यामध्ये काही गोष्टी समोर येण्याची शक्यता आहे। तरी या पूर्ण कामगिरी जी आहेत आमची नागपूर शहरचे सायबर सेलचे PI आणि त्यांच्या टीम यांनी केलेली आहे। याबद्दल अजून जास्तीच्या गोष्टी तपासाचे भाग आहेत। हे कधी आले, हे खरोखर लीगली राहत होते की नाही, त्यांचा पासपोर्ट आणि इतर गोष्टी पण याच्यामध्ये चेक करणं अजून बाकी आहे। तपास चालू आहे, तपासामध्ये पुढील गोष्टी निष्पन्न होतील। आतापर्यंत हे तिघांना आम्ही ताब्यात घेतलेले आहेत, परंतु काही आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीअनुसार यांचा एक अजून दुसरा जो ऑलरेडी निघून गेलेले आहे कॅमरून देशाला, त्यांचा मोबाईल आम्ही वापरत होतो अशाही काही गोष्टी पुढे येत आहेत। परंतु हे सगळे आरोपीच्या सांगण्यावरून आहेत। त्याच्यात किती तथ्य आहे आणि काय अजून ह्याच्यामध्ये गोष्टी आहेत ते पुढे येण्याची बाकी आहे, ते तपासामध्ये पुढे येईल। संपर्क करने के लिए एक ईमेल आईडी और पॉल हसन का नंबर दिया गया था जो वास्तविक रूप से उनका नहीं था। शिकायत मिलते ही साइबर यूनिट काम पर लग गया। दिए गए नंबर की जानकारी इकट्ठा करने पर मणिपुर के तामग्लान शहर के लाम गुलान सिंगसोन के नाम पर रजिस्टर होने का पता चला, लेकिन नंबर दिल्ली के मेहरोली में एक्टिव था। पुलिस ने नंबर पर सबसे ज्यादा कॉल करने वालों का पता लगाया। DCP चिन्मय पंडित के मार्गदर्शन में टीम दिल्ली रवाना हुई और रविवार को तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया। सोमवार को उन्हें न्यायालय में पेश कर 7 दिन की पुलिस हिरासत मांगी गई। बचाव पक्ष के वकील मंगेश राउत ने विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।